अभी स्टूडेंट्स, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन एक दो छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम में आते उसी टाइप के क्वेश्चन लेंगे, उसके अलावा फिलहाल तो टाइम नहीं है उतना। एक मिनट। छोटे छोटे पॉइंट है, मैंने आपको थोड़े बता दिए अभी। अभी एक क्वेश्चन लेंगे। स्टूडेंट से क्वेश्चन टू आप लोग सॉल्व कीजिए, पहले क्वेश्चन टू कॉपी कीजिए आप लोग। नीचे के साइड जो लिखा है वो, उसमें जो है मैं मतलब जो मैंने बताया उसमें से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन टू लिख लीजिए आप लोग। वेक्टर एफ इज गिवन, मैग्नीट्यूड निकालने का है और थीटा के वैल्यूज निकालने के हैं। आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए और थीटा वैल्यूज निकाल दीजिए आप लोग। क्वेश्चन लिख लिया होगा ना? ठीक यस सर, यस। हाँ, तो अभी ये सॉल्व कीजिए आप लोग। सिंपल एग्जाम्पल एकदम। सर मैग्नीट्यूड 422.65 है क्या? लिखता थीटा एक्स। सर कैलकुलेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है। सर थीटा एक्स 124.27 आया। अच्छा, मतलब आपने प्लस माइनस काउंट किया है इसमें। हाँ सर माइनस इनक्लूड ठीक है ठीक है ठीक है। 120। करके 124.27। ओके, वाई बता दीजिए कोई एक स्टूडेंट। थीटा वाई सर 68.19। वाला क्या हो सकता है? थीटा जेड। सर 42.42। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड आ गया, थीटा एक्स आ गया। यस ठीक है। अभी स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है अपना, एक मिनट।
उसमें सपोज ये अपना एक्स वाई जेड एक्सिस है, इधर कहीं तो पॉइंट ए, एट दिस पॉइंट वेक्टर एफ इज एक्टिव, ये अपना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वाला है, ये पॉइंट ए है जहाँ एक्ट होता है, इसके तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है लाइक दिस। तो उसमें स्टूडेंट अपने सिलेबस में है मोमेंट अबाउट ए पॉइंट है, मोमेंट अबाउट ए लाइन नहीं है, तो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट ही पढ़ाता हूँ आपको, बाकी जो नहीं है वो छोड़ देते हैं। तो इसके लिए पोजिशन वैक्टर निकालना पड़ता है अपने को, तो इसमें जो मोमेंट है तो मोमेंट को ऐसा लिखते हैं, इसमें अबाउट द पॉइंट ओ है तो ये सामने आ गया। इसके नीचे जो आएगा वो कोएफिशिएंट आता है पोजीशन वेक्टर का, इसके नीचे जो आएगा वो कोएफिशिएंट आता है जो वेक्टर है पोज का उसका, तो एक मिनट सर एक्स वाई हो गया क्या? अच्छा तो इसको बदलना पड़ेगा, एक मिनट चेंजेस, इसको ए बी सी कर देता हूँ। मैंने लोपन इट तो आपको मोमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा आई जे के फॉर्म में, तो ये इसका मेथड है, आप लोगों को पहले से ही मालूम है। इसमें स्टूडेंट सपोज कि इंस्टेड ऑफ दिस वो आपको ऐसा बोलता है कि दिस वेक्टर एफ इज एक्टिंग एट पॉइंट ए, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी कॉमा सी, फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ द पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है ई कॉमा एफ कॉमा जी, तो आपका जो यू विल ज्वाइन बी टू ए, ये आपका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे निकलेगा अपना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर ए बी या बी ए निकालने का है उस ढंग से निकलेगा, और उसके कोएफिशिएंट यूज होंगे। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, एक आता है मोमेंट ऑफ ए गिवन फोर्स अबाउट ओरिजिन, और सेकेंड आता है अबाउट एनी पॉइंट ए बी सी जो भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग एक एग्जाम्पल में देख लेंगे अभी। Where is that? Yeah. तो फाइंड मोमेंट अबाउट, हाँ तो ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दोनों कंबाइन किया हुआ है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। थोड़ा सा बता दूंगा आपको, लाइन वाला अपने सिलेबस में नहीं है, दैट यू विल नेगलेक्ट, अबाउट लाइन इक्यू वाला ऐसा छोड़ दीजिए आप, केवल एक पॉइंट है अपने को, एडिट होगा क्या? नहीं आया, कुछ तो आया। इतना ही क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन मेरे साइड में लिख के हो जाएगा स्टूडेंट, तो यस बोलिए जन। यस सर। हाँ अभी ये क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ प्लस तो इट इज एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, ये आपको सपोज
क्या है -4j + 12k इंजेक्टिंग एट पॉइंट एक्सपेक्ट होता है -1 -2 1 -2 दिस इज पॉइंट ए सपोज ओरिजिन पॉइंट तो है ये अपने जगह और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है 2 1 2 सपोज क्यू पॉइंट यहाँ लेते हैं तो पहला स्टूडेंट इसका जो ओरिजिन पॉइंट के बाद मोमेंट आएगा इट विल बी इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए और मोमेंट का इक्वेशन मुझे बता दीजिए क्या लिखोगे आई जे के में आएगा वेक्टर क्वांटिटी है सर -12i -3j + 2k 12i के बाद माइनस 3j हाँ उसके बाद प्लस 2k अच्छा कोई एक जन यस नो चेक करके बता दीजिए यस सर सेम है अभी स्टूडेंट्स जो अपना अबाउट पॉइंट क्यू मूवमेंट निकालेंगे तो भाई अबाउट पॉइंट क्यू ये निकालेंगे इसके लिए अपने को पोजिशन वेक्टर क्यू ए निकालना पड़ेगा क्यू ए का मतलब है a-q ठीक है तो पोजिशन वेक्टर जो है ये x-x1 या xa-xq उसके हिसाब से बताइए यहाँ क्या लिखने का लिखना पड़ेगा -i -3j + k तो अभी हाँ अभी अपना -1 -3 k तो यहाँ पे आएगा अपना i a k -1 -3 and 1 और नीचे वाला इधर है क्या है इसके बाद इसको सिंपलीफाई कीजिए तो मोमेंट अबाउट पॉइंट क्यू आ जाएगा हाँ ये इधर से सर -32i + 15j + 13k हाँ एक मिनट एक मिनट अच्छा चेंज है आपके साइड से लाना माइनस एक सबमिट आता हूँ गलत हो गया लगता है पहला आई हाँ पहला क्या है -32 हाँ एक मिनट सेकेंड +15 15 लास्ट वाला 13 13 ठीक तो स्टूडेंट्स ये मोमेंट निकालने का हो गया अपना इसके बाद कैसा होता है कि मोमेंट एक क्वेश्चन देखते हैं पहले उसके बाद आगे चलेंगे तो ये अच्छा भी देखते हैं इसमें यस इट इज सेम यूनिट भी लिख दिया है साथ में तो लाइन वाला अपने को नहीं है तो वो छोड़ दीजिए ये दिन नहीं है सिलेबस में हाँ एक ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यूजुअली एग्जाम में आता है क्वेश्चन 5 ये आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए
झालंस तुझं लेक्चर लिख हो जाएगा खंड दीजिए तो बीच निकाल दो तो अच्छा रहेगा। अच्छा बीच निकाल दो ना जो क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। यस सर। अच्छा तो ये सॉल्व नहीं करने का है, आप लोग बाद में सॉल्व कीजिए। इसके लिए हिंट मैंने दे दिया, एक्चुअली एक थोड़ा सा मॉडल क्वेश्चन टाइप का है, दैट आई वांट टू डिस्कस। अभी ये वाला क्वेश्चन कॉपी कीजिए 10, ये डिटेल में थोड़ा समझाने का। इसमें स्टूडेंट्स देखिए, जैसे एक्स वाई जेड कहाँ है, उसका प्लस साइड दिखाया है, माइनस साइड दिखाया है, तो वो हिसाब मुझे तो ऐसे फोटो खींच लो आप फिगर का, तो लिखने में तो दिक्कत आ जाएगी। ये डायगोनल लिया है इसमें, पॉइंट ए एक्स जेड वैल्यू इसका बी। हां तीन ही बजे था, उसी टाइम सो गया मैं, उसी टाइम रख के। हां तो तीन ही बजे आप इधर से इधर गए, मैंने बंद किया सो गया। तीन बजे क्यों सो गया, एक घंटा दो घंटा और जागना चाहिए, पांच बजे सो गया। मेरा मेरा लिख के 2 बजे हुआ था, फिर इसके बाद तो मैं बैठूंगा ना, पर एक नहीं मेरे को देखना। इसका फोटो खींच लीजिए आप। इसमें बेसिकली ये जो पॉइंट्स है, इसे कोऑर्डिनेट कैसे निकाले हैं वो थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा है। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस प्लस दिया है, वाई प्लस जेड प्लस, माइनस किसी का लिखा है, उल्टे साइड वाला माइनस हो जाएगा, तो वाई का निगेटिव है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ए देखो आप, पॉइंट ए इज ऑन जेड, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है इसमें बताएंगे, इट इज ऑन जेड एक्सिस। हाँ क्यों जेड वैल्यू आएगा। पॉइंट बी के लिए इसने क्या किया है, ओ से लेके बी का डायगोनल दिया हुआ है, तो पॉइंट बी एक मिनट, हाँ ऐसा निकलेगा। तो इसका एक्स वैल्यू निकालना है अपने को, तो पॉइंट बी दे हैव गिवन लाइक दिस, के ये डायगोनल दिया है, ये वाला डायमेंशन चाहिए। डायगोनल है 4 यूनिट्स है स्टूडेंट्स, ये वाला एक जो जेड वाला साइड है वो है इधर, तो ये जो बेस लाइन है ये कितना आएगा निकाल के बताइए। तो 16 माइनस 9, उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2.64, ठीक है। अब इसने वो डायगोनल दे दिया था तो कोई बात नहीं उससे, तो 2.64 विल बी ए टू का एक्स वैल्यू, तो उसका साइन प्लस आएगा या माइनस, नेगेटिव नेगेटिव, तो दो ही वैल्यू है, वाई तो है नहीं इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें 2.645 नेगेटिव लिया है, जेड प्लस लिया है, पॉइंट सी ये जो है, सी इज इन एक्स माइनस जेड प्लेन, तो इसका एक्स वैल्यू जो है तो प्लस आएगा, जेड माइनस आएगा। तो देखिए लिखा है, हाँ ठीक है ऐसे ही लिखा है, एक्स वैल्यू प्लस है, जेड निगेटिव साइन के साथ है, ई जो है प्लस वाई ओनली, तो वो वैसा लिख दिया है। तो ये स्टूडेंट्स जिसने क्वाड्रेंट निकाले हैं, ऐसे क्वेश्चन में गलती पहले स्टेप में ही हो जाता है, आगे का मेथड तो सिंपल है। अब इसमें बोलता है कि हाँ ये जो तीन फोर्सेस है, दीज आर पॉइंट डी, तो अभी अपने को समझिए ए डी बी डी सी डी ये तीनों वेक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद समेशन और बाकी बाद में जो कंडीशंस दिए विल अप्लाई दैट। तो सपोज के अपने को ए डी वेक्टर चाहिए, तो अपने को पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, डी का है, तो वी एज्यूम दैट से एफ वन इज एक्टिंग अलोंग ए डी,
ठीक है, और उसका ई कैप निकालेंगे, एडी का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई कैप के लिए 2 पॉइंट लगेगा, 2 पॉइंट ऑलरेडी पहले से है, तो डी माइनस ए विद दैट एडी वेक्टर निकालेंगे, तो इसने एडी को F1, हाँ डी ए, ठीक है डी ए ले लो, फिर डी बी लेंगे, डी सी वैसा ले लेंगे, तो उसने इसका वेक्टर निकाल दिया है इधर से, वही सेम मेथड से इधर सामने लिखता है। तो आप लोग ये पहले वाला कम से कम कॉपी कर लीजिए जितना लिखा है, सेकंड वाले में सीधा वेक्टर लिख लेना आप, मीन्स वेक्टर F1 इज इक्वल टू F1 डॉट ई कैप डी ए, उसके बाद ये एक्स ए माइनस एक्स डी, वाई ए माइनस वाई डी एंड सो ऑन करके यहां तक लिख लो आप, 0.825 माइनस 0.8 जे प्लस 0.9 के, ऐसा यहां तक लिख लीजिए। निकला आपको इंग्लिश आता है, समझता है? हाँ सच में बोलता है, बोलो कैसा इसने बोला अभी? बोलो अब वो आपको सही आंसर है, हेलो ये इसने बोला ना जो वही चीज फिर तो चेंज से बड़ा थोड़ा हुआ पहले बोलो सुना इसने, देखिए पहला जो वेक्टर लिया डी ए लिया है, तो नेक्स्ट मस्ट बी डी बी, ये बी डी इसने गलत ले लिया है, डी बी लेना पड़ेगा, डी से ए, डी से बी, डी से सी, तो नेक्स्ट इसने ये डी बी वेक्टर लिया है, तो आप डी बी लीजिए, बी डी मत लो इसको आप, ठीक है, और उसी हिसाब से आप डी सी निकालेंगे, तो वो तीनों वेक्टर निकाल के उसका उसका समेशन करने का है आपको, तो एक मिनट, इस डी ए में इसने क्या कर दिया है, डी ए ए माइनस डी, ओके ए माइनस डी सही है, ए माइनस डी, हाँ तो अगले वाला आपको डी बी लेना पड़ेगा, बी डी मत लीजिए आप। सर डायग्राम में डायरेक्शंस दिए हैं ना फोर्सेस के, ए डी डी से ए एक्ट हो रहा है, बी डी बी से डी, समझ गया, एक मिनट, बी डी एंड सी डी, ए डी इज नोन ना, हाँ हाँ ए डी इज नोन, तो इसमें नोन है तो इट कैन बी टेकन एज इट इज, हाँ हाँ आई वाज थिंकिंग के अननोन है, ओके ओके तो फिर ठीक है, तो ए डी है तो इट इज गिवन एज डी ए, तो एज 1.29, हाँ वो डी ए ले लीजिए, बाकी बी डी और सी डी एज्यूम्ड है एक्चुअली, वो नोन अननोन तो बाद में पता लगेगा अपने को, तो बी डी एंड सी डी जो है वी एज्यूम दैट इट इज एक्टिंग बी टू एंड सी टू डी, विद दैट बी डी और सी डी आप लोग निकाल लीजिए, बाद में समीशन लेंगे इसका, नोन जो है सो कंफ्यूजन नहीं है, अननोन वी कैन एज्यूम। ये तीनों वेक्टर लिख के हो जाएगा तो बताइए, जब इस समीशन लेंगे सुन, तो एक्स कंपोनेंट एक जगह ऐड होगा, वाई एक जगह, जेड एक्स वाई एंड जेड अलग अलग ऐड होंगे, मींस आई वाला कोएफिशिएंट एक जगह आएगा, जे वाला एक जगह, के वाला एक जगह विद सूटेबल साइन, तो बेसिकली इसमें अपने दो अननोन हो गए,
एफ टू अनोन हो गया, एफ थ्री अनोन हो गया, और सम कंडीशन इज गिवन द क्वेश्चन, वो देखते हैं बाद में, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। 2021 डॉट अनुराग डॉट त्रिपाठी इंटर्न INTERN एट द रेट 2021 इसमें क्वेश्चन में बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट है हाँ इट इज वर्टिकल अलोंग एक्सिस, तो इट विल नॉट हैव एक्स कंपोनेंट, इट विल नॉट हैव जेड कंपोनेंट, तो ये तीनों इसने ऐड किए और गिवन कंडीशन जो है वो अप्लाई करके इसको सॉल्व किया एंड found out the envelope. We just calculated these envelope. ये जो है अपने जो टॉपिक है फोर्सिंग स्पेस का, ये मीन्स आप कह सकते हैं मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, इतना ही आएगा, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। मीन्स आपका वो सिंपल वेक्टर्स निकालना, एंगल निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, मूवमेंट निकालना, और लास्ट में ये कुछ अननोन्स निकालने का। तो ये क्वेश्चन तक आपको एक अंदाजा मिल गया है, तो ये टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वी कैन अटेम्प्ट, इसको सॉल्व कर लीजिए, कहीं कुछ मिसमैच है तो आप बता दीजिए, वी कैन चेक द इक्वेशंस अगेन। वैल्यूज में मिसमैच है तो आप बता दीजिए। स्टूडेंट्स एक असाइनमेंट, आज लास्ट डेट